Hi everyone, welcome and welcome to my another vlog. This is my first solo travel और आज है मेरा birthday, मेरे first birthday, मतलब मेरा 24th birthday में आज मेरा पहला solo travel है और मैं बहुत बहुत happy हूँ कि मैं इतना मतलब मुझे इतना guts मिला है कि मैं अपना solo travel कर सकूँ. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, चलो चलते हैं जहाँ मुझे जाना है. अभी फ़िलहाल ऐसी मैं बस घूमते घूमते आ चुकी हूँ, लेट्स सी कि कहाँ जाती हूँ. एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ स्टिल. जुकाम हो रहा है मुझे. और गाइस यहाँ पे क्या ऐसा कुछ व्यू है, मैंने रस्ते रस्ते भर रुकते रुकते आ रही हूँ ताकि मेरे को ना ठंडा भी हो रहा है. एक तो मैं घर से जल्दी आ गई थी और उसके बाद धूप भी आ रही है. तो ये अभी मैं यहाँ से नीचे का व्यू दिखाती हूँ आपको. सी नीचे कुछ है, घर वगैरह है और यहाँ पे कैसे कुछ व्यू है. सो गाइज़ मैं पहुंच गई थी नैनीताल और नैनीताल में बहुत सारी फिशेस है जिनको मारना अलाउड नहीं है और ना वहां से निकालना. तो ये इसीलिए यहां पे बहुत ज़्यादा है. और ये यहां का सुंदर सा व्यू है. मैं लेके आई थी स्कूटी, बट स्कूटी मैंने रखी थी मेन नैनीताल के सामने पे और वहीं पर से ही मैं पैदल आ गई थी रास्ते. और ये यहाँ का ब्यूटीफुल 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 वॉक वाला रास्ता है. यहीं पर से ही ई रिक्शे वगैरह गाड़ियाँ वगैरह सब जाती हैं. और ये कितना प्यारा लग रहा है यार. और जो मौसम होता है ना ठंड में बहुत ही मज़ेदार. और मेरे तो इतना ठंडा हुआ था, इतना ठंडा हुआ था क्योंकि खुद चलाई थी तो ठंड तो होना ही था. और उसके बाद मैं फुटपाथ वाले रास्ते से चले गई जो रोड से थोड़ा सा हट करके है अंदर को. आप यहाँ से जा सकते हैं अगर आपको पैदल वॉक करनी है, तो मुझे पैदल वॉक करनी थी तो इसलिए मैं पैदल पैदल ये वाले रास्ते में आ गई थी. और बहुत ही प्यारा व्यू लेते लेते और धूप सेकते सेकते मेन चीज़. और गाइस आज तो मुझे इतना इन्जॉय किया कर रही हूँ मैं, मतलब अकेले आई हूँ पर मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं अकेले हूँ क्योंकि मैं बहुत हैबिचुअल हूँ नैनीताल आने की, मतलब मैं आते रहती हूँ. तो मैंने सोचा आज अपने बर्थडे में क्यों ना मैं नैनीताल जाऊँ और वो भी अकेले और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ. तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस है. और यहाँ पे बहुत सारी बतख और है ना पानी में छा रही हैं और इतना प्यारा कितना मस्त लग रहा है ना. और इतनी सारी बोट, आधी बोट यहाँ पे और आधी उधर उस साइड है. और गाइस आप यकीन नहीं मानोगे 10 बजे से यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट हो चुकी थी. आई वॉज लिटरली शॉक्ड. पहले तो मुझे लगा कि मैं भी बोटिंग करने चले जाऊँ बट फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है 300 रुपये देख करके बोटिंग करने के, तो मैंने नहीं किए. अगर आप लोगों को नैनीताल आना है और अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करने हैं, मैक्स टू मैक्स अपने साथ लेके चलिए 3,000 to 4,000 रुपीज़. और मैक्स टू मैक्स 3,000 तो लेके ही चलो गाइस. अगर आप यू नो लोकलाइट्स भी हो स्टिल आपको 3,000 तो लेके ही चलने पड़ेंगे. 500 रुपये का अपना पेट्रोल भराए, 500 मेरा भरा था 300 समथिंग कुछ का. और उसके बाद मैं आ गई थी और ये मेरी पैदल वॉक थी. मैंने प्रेफर किया कि मैं पैदल चलूँ क्योंकि स्कूटी से तो हम लोग काफ़ी टाइम गए हैं तो मज़ा नहीं आता. और ई रिक्शे से भी गए, बहुत फ़नी पार्ट है बट अब मुझे लगता है कि यार ई रिक्शे से जाने का फ़ायदा क्या था. और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस लोग इंडियन ये यू नो पहाड़ी कल्चर पहनते हैं तो यहाँ पर ये सारी ड्रेसेस रखी रहती है. और ये इतना पूरा पेड़ बिना पत्तों का, गाइज लिटरली मैं शॉक्ड हो गई थी और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं. और फिर उसके बाद में चलते ही चलते ही चलते ही चलते आखिरकार मैं पहुंच ही गई माल रोड वन वे. और यहाँ तो मैं यहाँ देख के शॉक्ड थी कि यहाँ कुछ स्टॉल नहीं लगी थी, कुछ भी नहीं लगा था यहाँ गाइज, पता नहीं क्यों.
मैंने तो सोचा था खूब सारी स्ट्रीट शॉपिंग करूँगी, बट ये सब बंद था और मुझे भी समझ में नहीं आया ये बंद क्यों था। मुझे लगा अभी खुलेगा, बट नहीं खुला ये। फिर मैं आ गई थी आते आते, मैंने यहाँ पे पी कॉफ़ी। मेरा फेवरेट एंड फेवरेट पार्ट है कि पहले मैं कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद जाके मैं कहीं कुछ घूमूंगी और एक्सप्लोर करूँगी। फिर मैं यहाँ नैनीताल के किनारे लेक साइड बैठी और बहुत प्यारी हवा चल रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और देखो इतने सारे लोग आ गए थे यहाँ पे ना, और ये लोग पता नहीं कहाँ से शॉपिंग कर रहे थे, यहाँ से शॉपिंग कर रहे थे ये लोग, बट स्ट्रीट शॉपिंग तो बिल्कुल ही बंद था। और यहाँ मुझे बहुत सारे पर्स देखे मैंने, बट मुझे पसंद ना आ नहीं रहे थे क्योंकि मेरा लेने का तो मकसद ही नहीं था। क्योंकि मैं जब भी नैनीताल आती हूँ तो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ लेना ही लेना होता है और मेरे पैसे इसीलिए खर्च होते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ की शॉपिंग करनी है तो भाई अपना बजट तो फुल करके आओ, तभी आप यहाँ से शॉपिंग करना। अदरवाइज़ स्ट्रीट शॉपिंग नैनीताल की बेस्ट शॉपिंग है। यहाँ पे से शॉपिंग करना मीन्स अब मैं कुछ नहीं कह सकती, अगर आप लोगों के पास बजट है तो आप कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं था। लिटरली सीरियसली मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई फील्ड में, यहाँ पे चल रहा था मैच जो हमेशा का ही है, तो मैं भी आके यहाँ पे बैठ के इंजॉय किया। फिर मैंने कहा यार चलो अब चलते हैं, कुछ खा पी लेते हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ अपने कैफ़े ढूंढने का, बट मेरे माइंड में था कि मेरे को यहीं आना है, तो मैं इसीलिए लेक साइड लेक व्यू कैफ़े गई और मैंने खूब सारा खाया। उसके बाद मैंने ये यहाँ घूमी। आप लोगों को पता है ये लोग जो सॉक्स बनाते हैं ना, ये खुद से बनाते हैं और फिर बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, और ये तो बड़ी मस्त चीज़ थी। और ये लोग ना हम लोगों की तरह नॉर्मल वाले सॉक्स नहीं बुनते, ये काफ़ी अलग वो करते हैं ना, बनाते हैं। और फिर मैं गई ये कैंडल शॉप, मैंने देखी कैंडल बाज़ार, कैंडल बाज़ार के अंदर मैं चली गई और ये लड़कियाँ मुझे देख रही थी, कह रही थी व्लॉगिंग। बट काश मैं ये बोल सकती लाइक डू लाइक सब्सक्राइब शेयर सब यरा कमेंट, बट नहीं बोल पाई, मेरे को बहुत शर्म आती है गाइस। तो जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, सो गाइस प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। आज मैं आप लोगों को पूरा पूरा नैनीताल एक्सप्लोर करा रही हूँ और ये इत्र थी। उसके बाद में चले गई फिर से शहर पे कि मुझे कुछ तो पसंद आए और मैं आज अपने आप को कुछ गिफ्ट करूं, बट सीरियसली मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। बस एक नैनीताल के अलावा, नैनीताल काफ़ी प्यारा है, अच्छा है, घूम सकते हैं हम यहाँ पे खूब सारा। और फाइनली पता है मुझे एक चीज़ देखी यहाँ पे, चौहान हाउस। आई वाज शॉक्ड, ये चौहान हाउस, और आप यकीन नहीं मानोगे ये रियल बिल्ली नहीं, नकली बिल्ली है। पहले मुझे रियल लगी यार, मैंने जब देखा मैंने बोला यार रियल बिल्ली ऐसी किस लाई है। और फिर गाइस ये वाला ना मुझे ऐसा लगता था कि बहुत महंगा है इधर वाली साइड, बट ये भी काफ़ी सही है। और ये था कैफ़े से व्यू। फिर मैं आ गई थी खा पी करके, मेरा तो फ़ोन भी ना चार्ज डेड हो चुका था, तो इसीलिए मैं नहीं आप लोगों के साथ दिखा पाई। क्योंकि मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ और मुझे अब डोमिनोज मिल रहा है, बट मुझे आज बर्थडे के दिन डोमिनोज नहीं जाना है। आज मुझे वो जगह जानी है जहाँ मैं एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ। तो अभी हम वाओ कितना प्यारा फूल going to church. Let's see. आज मंदिर तो नहीं जा पा रही हूँ, बट हाँ चर्च ज़रूर जाना चाहूँगी। मेरे बर्थडे के सिर्फ दो दिन बाद क्रिसमस आता है, तो आज ही मैं हो आती हूँ क्रिसमस। हाय मैं हो आई चर्च, और अब चलती हूँ मैं फिर से पेस्ट्री की तलाश में। आज तो यही मनाऊंगी और
हाँ जी आज यहीं करती हूँ अपना, चल चलते हैं अब फिर से पेस्ट्री की तलाश में। आज पेस्ट्री तो पता नहीं मिलने वाली नहीं मिलने वाली है। आज पता है मैं अपना काम काज सब छोड़ छाड़ के बस घूमने आ गई, क्योंकि यार बर्थडे के दिन जो घूमना होता है और जो बर्थडे के दिन की फीलिंग होती है वो आई डोंट थिंक कि वो कभी मतलब दूसरे दिन हमें मिल पाती है। तो इसीलिए मैंने आज अपने काम से छुट्टी ली और सोचा कि आज बस अपना बर्थडे इंजॉय कर सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि मैंने अपना बर्थडे अकेला कैसे मनाया। क्योंकि कभी कभी हम लोगों ने ना अकेले भी रहना सीखना चाहिए, क्योंकि यू नो ये मेरा पर्सनल चॉइस था आज मैं कि अकेले ही जाऊँ, इसीलिए आज मुझे पता नहीं था मैं सोलो ट्रिप आज कर रही हूँ। चलो यहाँ भी घुमाई देते हैं आप लोगों को। सो मैंने कहा ये वाली साइड क्यों छोड़नी, पता है मुझे बहुत मिस किया मैंने ये वाली रोड पे, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत मोमोज मतलब मेरे को मेरे सबसे फेवरेट मोमो नैनीताल की यहीं की है। लोग बोलते हैं भोटिया मार्केट के मोमो बहुत अच्छे हैं, बट वो नॉन वेज ज़्यादा अच्छे हैं, बट मेरे लिए वेज वालों के लिए ये वाली रोड में सबसे बेस्ट मोमो है। बट मैंने नहीं खाया क्योंकि आज मेरा मन नहीं था, आज मुझे कुछ स्पेशल खाना था वो मैंने खाया और मुझे फाइनली मिल चुकी थी पेस्ट्री जिसकी मैं तलाश में थी, और पेस्ट्री खा के तो मेरे दिल खुश हो गया गाइस। बट यार मैं फ़ोटो ही क्लिक नहीं कर पा रही थी अपने खाने की, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी, इतना चल रही थी फिर खा रही थी, चल रही थी फिर खा रही थी, और फाइनली अब तो मैं आधे रास्ते पर पहुँच गई थी। और ये मंदिर देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो इनका भी व्लॉग बनाया जाए। उसके बाद मैं हल्द्वानी आते ही मैंने टूट पड़ी हैप्पीनेस और मैंने हैप्पीली अपना फ्रूट वाला यू नो डेजर्ट खाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली मेरा बर्थडे सक्सेसफुल रहा गाइस, और बस अब मैं अपना आइसक्रीम खाऊंगी और फिर मैं घर को जाऊंगा। मैं ऐसे खा रही थी और ना यहाँ पे मेरी जिस पीछे एक लड़की का भी बर्थडे था, तो आई वॉज शॉक्ड कि अच्छा। और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए फूल लिए ताकि मैं अपने आप को अच्छा फील कर सकूं, और उसके बाद ये मेरी ऐसी कुछ वीडियो है। कैसी लग रही थी मैं, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।